मैं हूं सुनील अलखंडी और आपका स्वागत है मेरे इस न्यूज चैनल में। राष्ट्रपति पद के लिए दोनों ही पक्षों ने अब अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और यह निश्चित हो गया है कि अब राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होके रहेगा। एनडीए ने अपना प्रत्याशी श्री नाथ कोविंद को डिक्लेयर किया, जो कि बिहार के राज्यपाल थे और दलित थे, उत्तर प्रदेश से दलित थे। इसके खिलाफ कांग्रेस नीत गठबंधन ने, 17 दलों के गठबंधन ने श्रीमती मीरा कुमार को अपना कैंडिडेट घोषित किया, जो कि यहाँ से संबंध रखती है और एक दलित है। सो ये एक प्रतिक्रिया वाले दिन निर्णय था। इसमें दो और कैंडिडेट जो कंसीडर किए गए थे वो थे प्रकाश अंबेडकर और दूसरे थे गोपाल कृष्ण गांधी। चूंकि दोनों ही ये कैटेगरी मीट आउट नहीं कर पाए, इसलिए उनका कैंडिडेटचर रिजेक्ट हो गया। तीनों ही कैंडिडेट जो इन 17 दलों ने कंसीडर किए थे वो प्रथम पीढ़ी के राजनीति के नहीं है और परिवार से संबंध रखते हैं, और ये वही कांग्रेस की परिवारवाद की सोच का द्योतक है। श्री रामनाथ कोविंद के बारे में तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, आज मैं बात करूंगा श्रीमती मीरा कुमार के बारे में। श्रीमती मीरा कुमार पूर्व उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम की बेटी है और इस तरह से वो प्रथम पीढ़ी राजनीति की नहीं है और प्रथम पीढ़ी दलित भी नहीं है। वो एक 5 से ज्यादा दलित है। वो कॉन्वेंट स्कूलों में देहरादून और दिल्ली में पढ़ी हैं। उस समय जबकि उनके समकक्ष उनकी समायु के लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे और बहुत ही कम प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलें हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने एक्सपेंसिव कॉलेजेस में दिल्ली में शिक्षा ली है, लॉ की और आर्ट्स की। तो और मुख्यतः वो शायद दलित हैं इसीलिए कि वो दलित परिवार में पैदा हुई है। बाकी दलित क्या होता है, उनकी समझ कितनी होगी और उन्होंने दलित की जिंदगी जी है और दलित की वास्तविकताओं को समझा है प्रैक्टिकली, ये मैं नहीं समझता कि उनको मालूम होगा। कुल मिला के वो एक 5 सितारा दलित हैं और जगजीवन राम की बेटी हैं, और यदि वे जगजीवन राम की बेटी नहीं होती तो शायद किसी भी दल को उनको विधानसभा का टिकट देने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती। वो बिहार से भी नहीं है, केवल बिहार में जन्मी है, कभी बिहार में रही नहीं है लंबे समय के लिए, और दलितों के बीच में उन्होंने कोई काम किया हो ऐसा भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये केवल सतही तौर पे वो बिहार की हैं और दलित हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि बिजनौर में 1985 में उन्होंने दिग्गज दलित नेताओं रामविलास पासवान और मायावती को चुनाव में हराया था। 1985 में के चुनाव में मैं याद दिला दूं आपको कि ये चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जन्मी सहानुभूति में कांग्रेस ने जीता था, और उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए थे। वो बिहार की हैं, ये इसलिए उनको चुना गया ताकि नीतीश कुमार पे दबाव डाला जा सके कि जो उन्होंने घोषणा की है कि वो रामनाथ कोविंद का सपोर्ट करेंगे उसको बदला जाए। लेकिन नीतीश कुमार कोई राजनीति के नौसिखिया नहीं है, वो निश्चित रूप से एक राजनीति के चतुर बनिया है और उन्होंने ये जरूर पूर्वानुमान लगा लिया होगा कि ऐसा ही कुछ किया जाएगा। और कल जब लालू से उनकी इफ्तार पार्टी में मीटिंग हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्या आपने बिहार की एक बेटी को हारने के लिए चुनाव में उतारा है, और यदि आपको उनको जिताना ही है तो गठबंधन को आगे बढ़ाइए, 2022 सत्ता में आइए, और 2022 में जब आप जीतने की स्थिति में तो उसको प्रेसिडेंट बनाइए। यहाँ एक बार और भी है कि योगी आदित्यनाथ ने भी कल कहा था कि यह केवल कांग्रेस का दिखावा है, वो वास्तव में किसी दलित नेता को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती, अगर ऐसा होता तो वो पिछले 2 चुनाव में जब वो निश्चित जीत थी उनके कैंडिडेट की तब क्यों नहीं उन्होंने श्रीमती मीरा कुमार को कंसीडर किया। तो ये तो एक राजनीतिक है दलितों के वोट बैंक को जीतने के लिए कांग्रेस की, वो भी एक बहुत ही घटिया सी और मतलब कहें कि बहुत ही कमजोर एक उनकी चाल है। कुमार की एक और क्वालिटी बताई जा रही है कि वो विदेशों में भारतीय राजनयिक रही हैं। तो ये तो ऐसा हुआ कि जिस तरह कोई बड़ा या छोटा या मध्यम दर्जे का इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पुत्र या पुत्री को डायरेक्ट अपनी कंपनी में डायरेक्ट बनाने के बजाय पहले कहीं किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करवा लेता है ताकि उसको कुछ अनुभव प्राप्त हो सके, इसी सिद्धांत के चलते हुए जगजीवन राम ने उनको एक सरकारी नौकरी दिलवाई और बाद में राजनीति में उतार दिया अपनी विरासत को संभालने के लिए। 6 बार संसद रही है और आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसने कि उनके किसी भाषण को दिखाया हो लोकसभा में देते हुए। तो वो एक साधारण सी एमपी रही हैं, सांसद रही हैं, और मंत्री के दौर में भी उनका कार्यकाल कोई बहुत विशेष नहीं था और उनको कोई ऐसी उनका कार्य नहीं है जिससे कि उनको याद किया जा सके या जिसको प्रखर रूप से दिखाया जा सके। जब वे लोकसभा के अध्यक्ष बनी तो भी उनका एक ही डायलॉग था, आप बैठ जाइए, और एक वो मुस्कुराहट से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, और उनकी मुस्कुराहट भी
पाश्चात्य मुस्कुराहट लगती थी, भारतीय मुस्कुराहट नहीं लगती थी। तो किसी भी तरह से दलित नहीं है, 5 सितारा दलित है, और उसको उनके जस्ट एक दलित बैकग्राउंड को भुनाने की कांग्रेस ने एक बहुत ही कमजोर कोशिश की। मीरा कुमार का कुल मिला के यही परिचय कि वो बाबू जगजीवन राम की बेटी है और बिहार में पैदा हुई है, ना वो डायरेक्ट दलित है और ना ही बिहार से उनका कोई बहुत ज्यादा सीधा लगाव रहा है। ये तो उनका बैकग्राउंड हुआ। अब सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब हार एकदम निश्चित थी, क्यों उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपना स्वीकृति दी? तो जरूर कोई ना कोई उनके और सोनिया गांधी के बीच में डील हुई होगी, ये राष्ट्र जरूर जानना चाहेगा। और अगर देर सवेर टाइम्स नाउ या रिपब्लिक चैनल जैसे चैनल कोई स्टिंग ऑपरेशन करके ये देश के सामने ये बात ले आएंगे कि क्या डील हुई थी। तो मैं इसी विचार के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा चैनल आपको पसंद आया होगा, इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।